नमस्कार, मैं दिव्य हिंदी न्यूज संवाददाता समृद्धि। आज दिव्य हिंदी न्यूज की टीम आ पहुंची है अकोला अनिकट घाट स्थित माँ तुलजा भवानी जी के मंदिर में। माँ तुलजा भवानी जी का यह मंदिर मोरना नदी के किनारे बसा हुआ है और इस मंदिर तक पहुंचने का रास्ता कुछ इस प्रकार है। सरकारी बगीचे से थोड़ा आगे आकर आपको राइट मुड़ना है, फिर वहां पर आपको दो रास्ते दिखाई देंगे। वहां से लेफ्ट मुड़ने के बाद में एक सीमेंट के रोड से आगे बढ़ने पर आप इस मंदिर तक आसानी से पहुंच जाएंगे। माँ तुलजा भवानी का यह पौराणिक मंदिर प्राकृतिक सुंदरता के बीच स्थापित किया गया है। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि शेर को माता रानी का वाहन कहा जाता है, इसी वजह से इस मंदिर का मुख्य द्वार भी शेर के मुख में ही बनाया गया है। विशेष कारीगरों ने इसे बड़ी मेहनत से इतना सुंदर रूप दिया है। कोरोना संक्रमण काल में महाराष्ट्र प्रदेश के अधिकतम सभी धार्मिक स्थलों के पट अभी बंद है, लेकिन दिव्य हिंदी न्यूज की टीम आज विशेष तौर पर आप सभी को इस मंदिर के दर्शन कराने यहां आई है। चलिए अब मंदिर में चलते हैं। नंदिनी नंदितमोदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी। मंदिर के इस सुंदर परिसर में प्रवेश करते ही आप देखेंगे कि यहाँ शिव जी, पार्वती जी की और गणेश जी, कार्तिकेय की बड़ी ही सुंदर प्रतिमा है। इस मंदिर का प्रांगण भी बहुत बड़ा है, जिससे श्रद्धालु यहाँ बैठकर भजन कीर्तन और होम हवन बड़ी प्रसन्नता से कर सके। ठीक माता जी के मंदिर के सामने यहाँ काल भैरव जी का भी मंदिर है और इस मंदिर के प्रवेश द्वार के दाहिनी ओर कालिया मर्दन पर सवार कृष्ण जी की भी बड़ी ही सुंदर प्रतिमा है। मंदिर के ठीक पीछे मोरना नदी का तट होने की वजह से यहाँ का मौसम हमेशा ठंडा रहता है। नदी के प्रवाह का आवाज, शीतल हवा, शांतिपूर्ण वातावरण और यहाँ की सुंदरता आपके मन को बड़ी ही प्रसन्नता पहुँचाती है। अब हम चलते हैं माता जी के मंदिर में। वर वर्षिणी दुर्धर दर्शिणी दुर्मुख मर्षिणी हर्षरते त्रिभुवन पोषिणी। हे माता रानी, मैं दिव्य हिंदी न्यूज की टीम की तरफ से आपके चरणों में शत शत कोटि प्रणाम करती हूँ। हमारी बस यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द इस कोरोना संक्रमक बीमारी का इस दुनिया से विनाश हो जाए और हर साधारण व्यक्ति के जीवन से उसका दुख मिट जाए। जय माता दी। आई तुलजा भवानी के साथ साथ यहाँ छोटा गणेश जी का भी मंदिर है और परिक्रमा करते समय आप जानेंगे कि यहाँ नीचे स्वयंभू आसरा माता जी का भी मंदिर है। चलिए अब हम दिखाते हैं आपको मोरना का तट। माता जी के दर्शन करने के बाद में आप यहाँ नैसर्गिक सौंदर्य का भी आनंद उठा सकते हैं। धार्मिक स्थल होने के साथ साथ ये एक बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट भी है। अनेक वर्षों से यहाँ बड़ी ही धूमधाम से गणेश विसर्जन किया जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच निर्मित इस मंदिर में एक बार अपने परिवार के साथ अवश्य पधारें। अब हम जानेंगे इस मंदिर की और विशेषताओं के बारे में इस मंदिर के संस्थापक शंकर गेडाम जी से मिलकर। काका जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये मंदिर कब बना था और इसे बने हुए कितने वर्ष हो गए? ये मंदिर छोटा सा था, छोटा सा होने के बाद में हमने विचार ये किया कि इसको अपन बड़ा बनाएंगे, तो उस हिसाब से हमने वो काम करना शुरू कर दिए और शुरू करते करते हमारे को योगदान इतना दिया लोगों ने, अकोला नगरी के भावी भक्तों ने भी बहुत योगदान दिया है, उनके योगदान से ही इतना बड़ा मंदिर निर्माण हुआ है और इस निर्माण कार्य में हमने खुद मेहनत कर इस मंदिर को यहाँ तक पहुँचाया है। ये मंदिर 1999 में बनाना शुरू किया तो आज इसे 22 साल हो गए इस मंदिर को यहाँ तक लाने के लिए, 22 साल हो गए। तो आज ये यहाँ पर नवरात्र उत्सव होता है, नवरात्र आने वाले हैं, अश्विन नवरात्र और चैत्र नवरात्र में इतनी गर्दी होती थी यहाँ पर कि हमारे को कुछ सूझता नहीं था कि इतनी गर्दी होती थी। तो अभी 2 वर्ष से कोरोना संक्रमण के कारण सब उत्सव शायद मंदिर में बंद ही होंगे। बंद ही होगा ना। आपका क्या कहना है कि सरकार ने मंदिर शुरू करने चाहिए? मंदिर, हाँ, हम तो ये कह रहे हैं कि सरकार ने ये मंदिर शुरू करना चाहिए कि ताकि भाविक भक्तों को समाधान हो सके उनका, इसलिए ये मंदिर खोलना जरूरी है।
अभी मैंने आपको सब बताया है, आप अंदर चल के फोटो देख लीजिए कि ये मंदिर में कहाँ, छोटे से मंदिर से इतना बड़ा मंदिर कैसे हुआ, मैं फोटो तुम आपको बताता हूँ। चलिए अब हम अंदर चलते हैं। पहले ये मंदिर था, छोटा सा मंदिर था ये। इसके बाद में ये ऐसी मेहनत कर कर के, ये देखो ये जमीन कैसी थी, ये देखो ये इतना बड़ा ऐसा खड़ा करे हमने, ये यहाँ से तो यहाँ बड़े साधु संतोष के, यहाँ पर राजस्थान के मेंढा के महाराज यहाँ पर इन्होंने कार्यक्रम किया, और गुजरात के महाराज उन्होंने कार्यक्रम किया, और यहाँ पर अपने जनक गुरुजी थे उन्होंने जगराता किया, ये सब यहाँ पर इतने पूरे फोटो लगे हुए हैं। ये इस तरीके से मंदिर ये तैयार हुआ हुआ है, ये छोटे से मंदिर से ही तो ऐसे यहाँ तक कि हमने ये मंदिर ऐसे शुरुआत की, हमने छोटे से मंदिर से ये ऐसा हुआ, उसके बाद में ये ऐसा हुआ, उसके बाद में ऐसा हुआ। ये ज़मीन ऐसी थी, ये ज़मीन को देखते हुए आदमी यहाँ तक के आ ही नहीं सकता था, लेकिन हमने वो पूरी मेहनत करके भर्ती डाल करके ये मंदिर को वहाँ तक के लेके गए हम। आज इस मंदिर को कम से कम 22 साल हो गए सर, 22 साल के अंदर हमने यहाँ से वहाँ तक के पूरा हमन किया है, पूरा किया है जी। 22 साल हो गए इस मंदिर को अब यानी तैयार होकर जी। पंडित जी आप सभी की मेहनत ही है ये जो आज मंदिर इतना सुंदर बन चुका है। ये मंदिर को 31/12 को 6 साल को तो ये सरकार ने इसको तीर्थ क्षेत्र करके घोषित किया हुआ है, लेकिन क्या है कोई समाज कंटकों ने इस मंदिर को ऊपर नहीं आने के लिए होना, इसलिए इनको निधि मिलने नहीं दे रहे। अब नई निधि मिल रहा है तो ये भाविक भक्तों के वजह से ये आज ये इतना बड़ा मंदिर तैयार हुआ हुआ है। ये अकोला के भाविक भक्तों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद समझता हूँ, और उन्हें भगवान और भी दे यही हमारी एक कामना है। अकोले में किसी को अभी तक मालूम भी नहीं है कि तुल्य भवानी का ऐसा मंदिर है करके, तो कोई बात नहीं काका जी, अब संपूर्ण अकोला को पता चल जाएगा कि अकोला में भी तुलसा भवानी जी का इतना सुंदर मंदिर है। और धन्यवाद आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इस वजह से धन्यवाद भाई। हम हिंदी न्यूज को धन्यवाद कहते हैं कि टीम ने आकर यहाँ पर जो न्यूज बनाई है वो सही, मैं उनका धन्यवाद मानता हूँ। धन्यवाद काका जी, धन्यवाद। तो जैसा कि आप सभी ने देखे, काका जी ने इस मंदिर की संपूर्ण जानकारी हमें बड़ी ही सरल भाषा में दी है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी के इस मंदिर के बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन हो गए होंगे। मिलते हैं एक और नए विशेष प्रसारण में, तब तक के लिए देखते रहिए दिव्य हिंदी न्यूज, आपके परिवार को रखे जागरूक और आपको एक्टिव। जय माता दी। आई गिरी नंदिनी नंदित मोदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते, गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते, भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। दिव्य हिंदी न्यूज, हम सिर्फ जानकारी देने का ही कार्य नहीं करते हैं, बल्कि हम लोकशाही के चौथे मजबूत आधार स्तंभ की भूमिका निभाने का भी कार्य करते हैं। देश और दुनिया की आने वाली सभी ब्रेकिंग न्यूज से हमेशा अपडेटेड रहने के लिए अभी दिव्य हिंदी न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद।